हेलो दोस्तों दोस्तों आप लोगों ने बहुत जगह पे मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा कि खेत में या किसी भी झाड़ के ऊपर छोटा सा मधुमक्खी का छत्ता होता है। दोस्तों आपके पास कभी भी चाकू ना हो या कुछ धुएं लगाने का कुछ ना हो तो आप कैसे मधुमक्खी को उड़ा सकते हो? तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हो ये मधुमक्खी का छत्ता है ऊपर, इसको हम बहुत आसानी से गिराएंगे तो आपको दिखाता हूँ आप लोग भी कैसे उड़ा सकते हो। तो दोस्तों मेरे पास कुछ भी नहीं है, देख सकते हो। तो हम पहले हल्के से हाथों से ऊपर, हल्का हाथ लेके ऊपर जाएंगे। देख सकते हो दोस्तों मधुमक्खी को हम पहले साइड पे कर देंगे। दोस्तों देख सकते हो मधुमक्खी को अपने हाथों से उड़ा रहा हूँ, ना कुछ धुआं हुआ लगाए। बाद में हम इसको तोड़ लेंगे, थोड़ी मधुमक्खी को उड़ा करने के बाद हम छत्ते को तोड़ देंगे। दोस्तों देख सकते हो मधुमक्खी का छत्ता हमने गिरा दिया है, थोड़ा सा टूट गया है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही मधुमक्खी अब हमें कुछ नहीं करेगी। देख सकते हो गाइस एकदम मस्त भरा हुआ है शहद, अच्छा वाला एकदम। दोस्तों हम मधुमक्खी का शहद निकाल लेंगे, बाद में उसको फिर से बिठा देंगे। ओके गाइस, दोस्तों देख सकते हो हम ओरिजिनल स्टाइल से निकालने जा रहे हैं। इस तरह से हम आदिवासी लोग इसको निकालते हैं, पहले थोड़ी मधुमक्खी को हटा देंगे। ओके दोस्तों तो देख सकते हो पानी कितना भरा है। ओ नाइस, थोड़ा सा शायद हम मधुमक्खी के लिए रहने देंगे। दोस्तों ये मैं खा जाता हूँ, बड़ा यम्मी लगता है। दोस्तों देख सकते हो मधुमक्खियाँ ऊपर बैठ रही है, देख सकते हो एकदम मस्त वाला छत्ता है। तो देख सकते हो दोस्तों हमने मधुमक्खी को छत्ता वैसे ही रहने दिया है और बाद में हम ऐसे ही रख देंगे। दोस्तों पहले नीचे ही रख देंगे ताकि मधुमक्खी अच्छे से बैठ जाए। तो दोस्तों देख सकते हो हमने मधुमक्खी का छत्ता ऐसे ही रहने दिया है ताकि अभी मधुमक्खी जो उड़ रही है वो फिर से आके उसके ऊपर बैठ जाएगी, तो हम नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही शहद निकाल सकते हैं। दोस्तों आप लोग भी कभी ऐसा मधुमक्खी छत्ता देख सकते हो तो अपने हाथों से एकदम आसानी से मधुमक्खी का शहद निकाल सकते हो। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।